आज योग शिविर का यह कार्यक्रम बहुत ही पवित्रता के साथ भोजपुर जिले के भेल डुमरा गांव में प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम लगातार 5 दिनों तक चलेगा और आप सभी ग्रामवासी, छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें योग शिविर के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से, इसके अभ्यासों के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, निरोग रहेंगे। तो आइए आपको मैं परिचय के तौर पर हमारे दाएं तरफ बैठे आदरणीय विक्रमादित्य जी, जो अपने जीवन को स्वदेशी अभियान और योग के कार्यक्रम को समर्पित कर चुके हैं और इस अभियान को हम भाई मिलकर के गांव-गांव में ले जा रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को कैमरे में कैद कर रहे आदर्श योग शिक्षक आदरणीय मनोहर कुमार जी हैं और मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार आप सबको एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आप बड़ी तन्मयता और पवित्रता के साथ आप योग शिविर में भाग ले रहे हैं और योग के इस बीज को आज हम आपके बीच और गांव में बीजारोपित करके जाएंगे और आने वाले समय में यह अंकुरित होगा, पल्लवित पुष्पित होगा और सबको एक दिन वट वृक्ष होकर के लाभ देगा। तो आइए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और प्राणायाम 8 प्रकार के हैं जिनमें एक एक करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, उसकी विधि को समझाएंगे, कौन कौन बीमारियों में लाभ देता है, किन किन बीमारियों में नहीं करना है, किन किन बीमारियों में करना है, कितने देर तक करना है और कौन से अभ्यास करने से कौन सी बीमारी को हम दूर करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है और ये अभ्यास 5 मिनट तक करना है। तो आइए सबसे पहले एक आसन में बैठने का प्रयास करेंगे या बैठेंगे। बाएं पैर को नीचे रखते हैं, दाहिने को ऊपर रखते हैं। इस आसन का नाम है सिद्धासन। बैठ जाइए, पीठ को सीधा रखेंगे। अब दोनों हथेली को उठाकर अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर, ये ध्यान मुद्रा है या ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, दोनों हथेली को घुटने पे रखेंगे और ये हाथ को टाइट नहीं रखना है, केवनी को थोड़ा मोड़ देंगे। तो दोनों हथेली आपका घुटना पर। अब शरीर को सीधा करिए। अब धीरे धीरे आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके आप परमपिता परमेश्वर को, धरती माँ को, भगवान सूर्य को, सभी महापुरुषों को एक बार याद करते हुए प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हे परमात्मा, हम पिछले लाखों जन्मों में बहुत ही पुण्य कार्य किए हैं तभी जाकर के इस जन्म में हम कुत्ता में जन्म नहीं लिए, शेर बाघ में जन्म नहीं लिए, आदमी में जन्म लिए हैं। तो आइए आज मानव से महामानव बनने की यात्रा शुरू करते हैं, पुरुष से महापुरुष बनने की यात्रा शुरू करेंगे। तो 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस को भरिए। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ने का प्रयास करिए। सांस को भरते समय ध्यान रखना है कि ये हवा पेट में नहीं जाए, पेट को नहीं फुलाना है, केवल आपका डायफ्राम फेफड़ा फैल रहा है। सबकी आंखें बंद हो। सांस भरते समय आपका ध्यान सांसों पर टिका हुआ रहेगा, सांस कैसे अंदर जा रहा है, सांस कैसे बाहर निकल रहा है। अब जब इन सांसों को बार बार भरेंगे छोड़ेंगे तो हमारे भीतर ऑक्सीजन का स्तर, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाता है, हमारे हृदय मजबूत होते हैं, हमारी कोशिकाएं जागृत होती हैं। एक मिनट में शरीर का सारा रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में, हृदय में प्रवेश करता है और जो व्यक्ति लंबा गहरा सांस भरते हैं, धीरे धीरे सांस भरिए। आप अपने आप को महसूस करिए
कि हम राम और कृष्ण के संतान हैं, हम बुद्ध और महावीर के संतान हैं, हमारे भीतर राम और कृष्ण का खून बह रहा है, हम योगियों के संतान हैं, हम साधु संतों के संतान हैं, हमारे अंदर सात्विक चेतना का विकास हो रहा है और अपने भीतर के सारे बीमारियों को, सारे विकारों को दूर कर रहे हैं सांसों के द्वारा। मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगातार सांसों को भरते जाइए। और ये किन किन बीमारियों में लाभ देगा हम महात्मा जी के मुखारविंद से सुनेंगे और हम अभ्यास करते रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम श्वसन संबंधित जो विकार है, जैसे फेफड़ा में हृदय संबंधित विकार में भी यह बहुत ही अति लाभकारी है। दमा हो या फिर आपका श्वास से संबंधित जो भी समस्या है उसमें ये बहुत ही लाभ देता है। भस्त्रिका प्राणायाम हृदय कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसमें भी लाभकारी है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से श्वसन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। मूल रूप में एक शब्द में अगर इसे कहा जाए तो श्वसन संबंधित समस्या श्वास लेने में जो परेशानी होती है वह दूर हो जाता है। सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए।